अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको सिंपल बिरयानी मसाला घर में ही तैयार करना बता रही हूँ। घर में रखा हुआ और फौरी से आप बिरयानी बना सकते हैं निकाल के। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का मैंने काली मिर्च ली है रोस्ट की हुई, 2 टीस्पून मैंने सौंफ और साबुत धनिया लिया, 1 टीस्पून सौंफ है रोस्ट की हुई, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 2 अदद बादिया खतान है और 3 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता, ये एंड में हम शामिल करेंगे। 1 तेज़पत्ता है, इसको मैंने हाथ की मदद के साथ तोड़ लिया है, 2 अदद इलायचियाँ 3 अदद हैं और 2 बादिया खतान के फूल हैं। ये 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है और 2 मैंने टुकड़े इसके दालचीनी के लिए, जवतरी के फूल 2 अदद हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून नमक है, 4 से 5 अदद लौंग है छोटी। अब हम इसको ब्लेंड में डालेंगे। मैंने ज़ीरा रोस्ट किया हुआ, धनिया और सौंफ रोस्ट की हुई, काली मिर्च, छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता। बहुत ही अच्छी है सिंपल बिरयानी, घर में मौजूद हो आप इजीली बना सकते हैं। फौरी तौर पे मसाले बने हुए होने चाहिए। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी और हल्दी शामिल कर दूंगी ताकि एक मसाला जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और नमक शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बिरयानी मसाला हमारा तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। 1 तेज़पत्ता और ये जो मैंने रखा था बादिया खतान और इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी, ये साबुत ही रहने देंगे, इसको ब्लेंड नहीं करना। मज़ेदार किस्म का सिंपल बिरयानी मसाला तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।